अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज फिर थोड़ी सी तबीयत पता नहीं क्यों इतनी डाउन हो गई, दिल नहीं कर रहा उठने का। बस ऐसा फ्लू फ्लू सा है ना, जब फ्लू होता है ना तो बॉडी में अजीब सा पेन हो रहा होता है, दिल ही नहीं चाह रहा होता किसी भी काम को, कोई वर्क करने का दिल ही नहीं कर रहा होता। मोस्टली तो मुझे सिर्फ किचन का ही करना होता, घर तो ये ना मेड होती है, वो क्लीन कर देती है, कोई ऐसा नहीं इशू। बट ये कि वो जो किचन का काम है वो तो मुझे करना है ना, और मैं किचन में किसी को भी इंटर होने नहीं देती अपने ना, तो बस यही है। अब किचन में जा रही थी मैं काम करने के लिए, और हम लोग जो हैं वो मोस्टली खाते ही घर का हैं, और आज है सैटरडे। सैटरडे वाले दिन मुझे मेरा डे जो होता है मेरी अम्मी के घर का होता है, मुझे अम्मी के घर जाना होता है, तो बस मुझे हिम्मत करनी है और उठना है जाना है क्योंकि अम्मी की तरफ भी जाना है मुझे, तो इसलिए। अच्छा जी, उठ गए हैं और उठे भी कब हैं ये देखिए, टाइम देख लीजिए, 5:30 हो रहे हैं, 5:25 हो रहे हैं, और मैं यहाँ रूम से बाहर निकली हूँ। हानी जो है यहाँ टीचर के साथ पढ़ रही हैं। अच्छा, मैंने काम स्टार्ट कर दिया, ये देखिए मैंने चूल्हे जो है उनकी सफाई कर रही हूँ। कुछ ना कुछ गिरता रहता है और वो गंदे होते रहते हैं, इसको रगड़ना कितना मुश्किल काम लगता है ना। ये अगर किसी को पता हो कि इसमें कौन सा लिक्विड डाल के इसको क्लीन करते हैं तो बताइएगा, मैं डेली इसकी सफाई करती हूँ ये जो है ना, लेकिन फिर ये इतने गंदे गंदे हो जाते हैं। अच्छा, हम कहीं पर भी जाएं, मैं सैटरडे को जाती हूँ अम्मी के घर, तो चाहे मैं अम्मी के घर जाऊँ या कहीं पर भी जाऊँ, या मुझे अपने ससुराल जाना होता है तो वहाँ पर भी जाऊँ, मैं हर जगह खाना बना के जाती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं, वो बहुत मुश्किल से कहीं खाना खाते हैं। मैं पानी बंद करने के लिए चली गई थी, नल चल रहा था, मैंने कहा ज़ाया हो रहा है पानी, तो उनको नहीं पसंद, तो फिर मैं खाना बना के जाती हूँ। अब फिर मैं खुद भी खाना बना के जाती हूँ, मेरी आदत हो गई, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम कहीं गए और नहीं दिल चाहता इंसान का खाने का, कभी ऐसा मूड होता है, जब घर पे आते हैं तो फिर भूख लगती है, तो हम लोग बाज़ार का बहुत ही अवॉइड करते हैं, घर का ज़्यादा शौक से खाते हैं। हानि भी मेरी देसी खाने ज़्यादा शौक से खाती है, उसको ये सब पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, जिसको भी दाल चावल हों, और मेरी भी वही है, हम लोग भी वेजिटेबल खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, या जो भी खाते हैं सालन वालन हर चीज़ हम घर की खाते हैं। अच्छा, यहाँ मेरा हो गया स्टोव क्लीन, मैं इसको साफ करती हूँ। और आज समझ ही नहीं आ रहा था वैसे मुझे कि बनाना क्या है, हस्बैंड से भी पूछ रही थी कि मैं आज खाना क्या बनाऊँ, लेकिन वो कहेंगे मुझे नहीं पता, फिर बड़ी मुश्किल से मेरी समझ में आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है। हमारी अम्मी जो है ना वो बहुत अच्छा मज़ेदार गाजर गोश्त बनाती हैं, तो मैं तो बहुत कम बनाती हूँ, मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा अभी बनाया है। मैं आज देखें मंगवाई है मार्केट से, वो नहीं थी तो वो लेने के लिए गए मैं हस्बैंड, अब वो जैसे ही लेके आते हैं तो फिर मैं अपना स्टार्ट करती हूँ खाना। चिकन जो है ना मैंने वॉश करने के लिए निकाला हुआ है, अभी मैं इसको वॉश करके निकालती हूँ, फिर खाने की तैयारी करूँगी। मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया, देखें प्याज ब्राउन हो रही है, मैंने एक बड़ी प्याज ली है, उसको ब्राउन कर रही हूँ, फिर जब भी थोड़ी सी हल्की सी सौते हो जाएगी ना फिर मैं उसके अंदर चिकन डालूंगी, और चिकन मेरी ये रखी हुई। अच्छा, चिकन हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ अफराद ही कितने हैं, हम लोग 3-4 लोग हैं, हम लोग हानी को मिला के हम 4 हैं, इन्हें बच्चे को मिला के, तो हमारे लिए बहुत होता है, इनफ होता है, भाई भी इतना नहीं खाता, हस्बैंड भी इतने नहीं खाते मेरे चिकन ना, इन लोग को पसंद नहीं है, ना बोटी खाते हैं, ना जैसे कि ना बीफ खाते हैं, ना ही चिकन, इतने शौक से खाते हैं, कभी खाना होता तो एक ले लिया अदरवाइज नहीं। अच्छा, सब्जी जो होती है ना वो ज़्यादा खाते हैं हमारे यहाँ शौक से। अच्छा, तो अब ये देखें थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर मैं इसके अंदर चिकन डालूँगी। भी हो गया क्योंकि मैं ना क्लाइंट आ गई थी मेरी, मैं उनकी आईब्रो बनाने लग गई थी, तो आपको पता है जब क्लाइंट आते हैं तो थोड़ी आईब्रो भी बनती है, फिर थोड़ा गपशप होता है, तो उनसे मैं गपशप करने खड़ी हो गई, तो इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया और खाना बनाने में। जैसे ही वो गई तो मैंने कहा चलो पहले खाना चढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद और दूसरे काम करूँगी, शेरू भी भूखा और उसको भी चाहिए खाना ना, तो मैंने कहा पहले खाना चढ़ा दूँ फिर उसको भी देखें। ये देखिए मैंने चिकन है फिर लहसुन अदरक करके रख दिया, और अब मैं ये इसमें डाल लूँगा लहसुन अदरक, मैं भूलूँगी चिकन को अच्छा था। अच्छा, देखिए मैंने अच्छे से बहुत भुनाई कर ली है, फिर लहसुन अदरक डाल के इसके अंदर उसकी भुनाई कर लिए, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, आप जितना भी नमक ऐड करना चाहो अपना टेस्ट के हिसाब से, मैं तो 1 टीस्पून ही
ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरा एक मेजून बनी हुई है कि मुझे जितना घर में मैं खाना बनाती हूँ उसमें इतना नमक डालती हूँ। और लाल मिर्ची भी 1 डालूँगी मैं, इसमें ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं जाएंगे, सिर्फ लाल मिर्च और नमक डालूँगी बस, और टमाटर। लगाना स्टार्ट हो गई, मैं स्टॉप करती हूँ। बस मैंने हरी मिर्ची इसके अंदर डाली हुई थी और साथ टमाटर डाले हैं। गाजर, मेथी, सोया, मैं गाजर गोश्त बना रही हूँ ना, तो अब मैं बैठ के थोड़ा सा गाजर बना लूँ, गाजर और मेथी सब्जी बना लूँ ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना लेट हो रहा है, 6:30 हो गए, ये देखिए दिख रहा होगा शायद, हाँ सही दिख रहा है, 6:30 हो रहे हैं, मैं जल्दी काम कर लूँ। मैंने गाजर कट कर लिए तो मैंने कहा पहले गाजर को वॉश करके जल्दी काम कर लूँ। मैंने गाजर कट कर लिए तो मैंने कहा पहले गाजर को वॉश करके ना, और फिर मैं इसको डाल दूँ, ताकि ये गलने में थोड़ा टाइम लगेगी। मेथी और सोया मैं भी करती हूँ। गाजर मैं अच्छे से मेरा वॉश कर लूँ, मिट्टी विट्टी ना लगी हुई। मैंने गाजर आके ना इसके अंदर चिकन के अंदर डाल दिया। मैंने कहा गाजर जो है ना वो हो जाएगी, मेरे ख्याल से गाजर थोड़ा लेट होता है क्योंकि इसमें टमाटर डाला होता है ना इसलिए, तो मैंने कहा पहले गाजर डाल देती हूँ फिर मेथी और सोया इसमें डालती हूँ। अभी तोड़ती हूँ, मेथी सोया मैंने तोड़ा नहीं है, तब तक गाजर थोड़ा गलेगा। आँच देख लूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, नहीं सही है। अब ये कि मैं गाजर, मेथी और सोया जो है ना ये तोड़ रही हूँ मैं, मैंने तोड़ ली थी और उसको तो बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, मतलब मेथी में मिट्टी ना होना, क्योंकि अक्सर मिट्टी होती है ना, तो इसलिए मैं देख रही थी कुछ है तो नहीं है, तो मिट्टी होती है ना इसलिए, तो मैंने मेथी को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। अब मैं इसमें सालन में डाल रही हूँ। अच्छा जी, अब मैंने इसमें सब चीज़ें डाल दी हैं, मेथी भी डाल दी है, देख रहे हैं आप, गाजर मेथी हर चीज़ डल गई, वेजिटेबल सारी डल गई हैं। बस अब इसको मैं रख दूँगी नॉर्मल आँच पर, ताकि गाजर भी गल जाए, सब हो जाए, जब तक मैं अपने जाने की तैयारी करती हूँ। इतना मज़ेदार खुशबू आ रही है ना इसकी, और ये देखें ऑयल छनक के, छनक कहते हैं क्या कहते हैं, ऑयल ऊपर आ रहा है, तो अब ये देखें भुनाई की तरफ हो रहा है, भुनाई हो रही है इसकी ना, तो बस। और चिकन भी इतना गल गया कि हलवा टूट रहा है इसमें। चलो जी, लाइट ऑफ कर दी किचन की, मैंने काम ख़त्म हो गया, मैं रेडी हूँ जाने के लिए, हानी भी रेडी है जाने के लिए, पानी पी लूँ प्यास लग रही है। उमेश हनी, ये देखिए उमेश हनी भी रेडी हैं जाने के लिए। उमेश हनी चलो बाल बनाओ, नानी के घर जाना है, ठीक है। क्या देख रही थी हनी? मैं मूवी देख रही। कौन सी वाली? फ्लैश मूवी। किसकी है? सुपर हीरो। सुपर हीरो की? ओके, सुपर हीरोइन की देखना चाहिए थी, सुपर हीरो देख रही हूँ। चलो जल्दी से पोनी बांधो, देर हो रही है। लोग आ गए हैं नानी के यहाँ से, और हनी ने ड्रेस चेंज कर लिया, और देखो यही शर्ट फेंक दिया। हनी ये क्या है भाई? और टाइम देख लें इस वक्त क्या हो रहा है, 1:15 हो रहा है। हनी शर्ट तो उठा लेती बेटा अब। हाँ चलें जी, इस वक्त हम लोग अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, तो क्या कहेंगे? तो हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय बाय।